हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर श्री अकाल तख्त की मान मर्यादा को धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बादल परिवार ने पंजाब और हरियाणा में गुरुद्वारों के लिए अलग अलग राजनीति की और हरियाणा में सिख पंथ को बेच डाला। उन्होंने कहा कि बादल परिवार ने हरियाणा के गुरुद्वारों में मौजूद केवल गुल्लकों पर कब्जा जमाने का काम किया और हरियाणा सिख समुदाय की बाजुओं को परे झटक दिया। वह आज सीएम सिटी करनाल में अपने सम्मान में आयोजित समागम को संबोधित कर रहे थे। इस समागम का आयोजन हरियाणा युवा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह अरोड़ा ने किया। इससे पहले दादूवाल ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की युवा इकाई की कमान अमरिंदर सिंह अरोड़ा को सौंपने का ऐलान करते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह अरोड़ा ही हरियाणा के युवाओं को संगठित करने में सक्षम है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने बादल परिवार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पंजाब के किसानों के लिए पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया और संसद में पहुंची केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा महज एक ड्रामे की तरह है। इस अवसर पर नगर परिषद के पूर्व प्रधान बलविंदर सिंह कालड़ा, बलविंदर सिंह डाचर, ध्यान सिंह लुखी पहुवा, गुरमेल सिंह, गुरविंदर सिंह, जरनैल सिंह, अमृतपाल सिंह, जसप्रीत सिंह, हरविंदर सिंह अरोड़ा, जगजीत सिंह समेत कई मौजूद रहे। काम करेगी, तुसी अगे लगो, असी तुहाडे नाल। जथेदार साहब, हरियाणा की संगत दे बड़े अधूरे काम ने जेड़े होण वाले ने, ते दादूवाल साहब बहुत ही ज्यादा उम्मीदां ने तुहाडे ते कि तुसी हुण हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने हो ते हरियाणा की संगत दे जोर शोर नाल काम करवाओगे। बहुत ज्यादा उम्मीदां ने दादूवाल साहब, मैं तुहानू विश्वास दवाना कि आपां तुहाडे नाल तन मन धन नाल लग के तुहाडे नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलांगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार बनने ते अज करनाल दी धरती ते समागम रखे है। साडे मीडिया वाले वीर वख वख अखबारां तों टीवी चैनलां तों इत्थे विराजमान ने। मैं उन्हां मीडिया वाले वीरां दा भी दिल दीआं गहराइआं चों धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज दे समागम नूं कवर करके पूरे संसार दे विच पहुंचाउणा है। गुरु प्यारिओ, तुहाडा सन्मान ते सत्कार साडे सिर मत्थे ते है। सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी रहमत, अकाल पुरख वाहिगुरु दी कृपा, आप सरबत संगतां दीआं अरदासां जिन्हां दे सदका दुबारा तंदुरुस्त हो के तुहाडे चरणां 'च अज हाजिर होया। पिछले दिन तकरीबन 15 दिन कुछ सेहत नासाज होण करके आप सरबत संगतां दे दर्शन नहीं कर सकिया, बहुत सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करने पए क्योंकि पूरे हरियाणे दे विच जदों दी सेवा 13 अगस्त तों आप सरबत संगतां ने संभाली है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी दास दे जिम्मेवारी लाई है। उस वेले तां की हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और इसे तरह जमुना नगर, रोहतक, कुरसेंद्र वख वख थावां तों गुरु घरां दीआं प्रबंधक कमेटियां, सिंह सभावां, सिख जथेबंदियां दे वल्लों संगतां दे हुक्म आ रहे कि असीं गुरमत समागम और सन्मान समागम रखणे आ। उत्थे बहुत सारियां गैर सिख संस्थावां वी, क्योंकि जो असीं गुरु दे हुक्म अनुसार सरबत दे भले लई सतगुरु का जो सिधांत है, सभ्य सांझी वाल सदाइन किसी ना दसा बाबा जी, चाहे कोई सिख वीर है, मुसलमान वीर है, हिंदू ईसाई वीर है, चाहे कोई बोधी है, जैनी है, हरेक नूं अपना धर्म मुबारक। असी अपने धर्म च परपक्क हो के दूजे धर्म स्थानां ते धर्म ग्रंथां का सत्कार करना है, ये साडे गुरु साहब ने सानू सिखाया। इस करके बहुत सारिया गैर सिख संस्थावां भी हुक्म कर रही है और साडे मुख दफ्तर गुरद्वारा साहिब पातशाही 6वीं ते 9वीं
ਗੁਰਲਾ ਚੀਂਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.